दोस्तों, हमारी टीवी की दुनिया बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ कम नहीं है, जहां हमें कई सितारे देखने को मिलते हैं, जिनमें कई अदाकारा अपनी गजब की ब्यूटी से लोगों का दिल जीतती हुई नजर आती हैं। तो वहीं हमारे एक्टर भी कुछ कम नहीं होते, जिनके चार्मिंग लुक और डैशिंग पर्सनैलिटी पर तो यूं ही लाखों करोड़ों लड़कियां फिदा हैं, जिन्हें देखकर लोगों को यही लगता है कि ये टीवी सितारे अभी भी कुंवारे हैं। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, वो सितारे असल लाइफ में शादीशुदा होते हैं। और ऐसा ही हाल हमारी टीवी इंडस्ट्री के कुछ सितारों का है, जिन्हें आज तक लोग कुंवारा समझते रहे, पर वो रियल लाइफ में घर बसा चुके हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही सितारों से रूबरू करवाएंगे, उनकी रियल लाइफ के बारे में बताएंगे और उनकी शादी के बारे में बताएंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से जानते हैं उन्हीं सितारों के बारे में। नंबर एक, नीति टेलर। क्यों दोस्तों, टीवी की इस खूबसूरत अदाकारा का नाम लेते ही आप हैरत में पड़ गए होंगे, पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। पर्दे पर क्यूट एंड मासूम सी दिखने वाली आपकी फेवरेट अदाकारा नीति टेलर रियल लाइफ में शादी कर चुकी हैं, जिन्होंने 13 अगस्त 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड परीक्षित बाबा से गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। यही वजह रही कि बहुत कम लोगों को पता है कि रियल लाइफ में शादीशुदा हैं ये। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से एक आर्मी ऑफिसर हैं। नंबर दो, शहीर शेख। महाभारत, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और नव्या जैसे शोज में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता शहीर शेख भी रियल लाइफ में शादी कर चुके हैं। सुनकर हैरान मत होइए, इन्होंने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एकता कपूर फिल्म डिविजन की हेड रुचिका कपूर के साथ कोर्ट मैरिज की थी और आज उनके साथ काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। खबरें हैं कि ये जल्द ही इनके साथ पारंपरिक रीति रिवाज से शादी भी रचा लेंगे। नंबर तीन, पूजा बनर्जी। टीवी के पौराणिक शो देवों के देव महादेव में माता पार्वती के किरदार को निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री पूजा बनर्जी भी शादीशुदा हैं, जो काफी समय से अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंड टीवी एक्टर कुणाल वर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और शादी की खबरों के लिए चर्चाओं में बनी हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इनकी शादी पोस्टपोन हो गई थी। आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 महीने पहले ही कोर्ट में शादी कर ली थी, जिस वजह से दोनों ऑफिशियली मैरिड कपल हैं। नंबर चार, रजत टोकस। जी हाँ, जोधा अकबर में अकबर की भूमिका निभाकर हर एक शख्स को इम्प्रेस करने वाले अभिनेता रजत टोकस भी शादी कर चुके हैं। क्यों, हो गए ना आप भी सभी हैरान? पर यही सच्चाई है, जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में ही सृष्टि नैयर के साथ अपना घर बसा लिया था और आज उन्हीं के साथ काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। नंबर पाँच, राम कपूर। जी हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल से घर घर में मशहूर हुए अभिनेता राम कपूर शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों के पिता भी हैं, जिन्होंने साल 2003 में गौतमी कपूर से शादी की है। बता दें कि गौतमी कपूर वही हैं जो घर एक मंदिर सीरियल में इनकी भाभी की भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। इसी शो में काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और आज दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। नंबर छह, मदालसा शर्मा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अनुपमा शो में काव्या गांधी का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं अभिनेत्री मदालसा शर्मा, जो शादीशुदा हैं। बता दें कि इन्होंने जिनसे शादी की है वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन दा के बेटे महाशय चक्रवर्ती हैं, जिनसे इन्होंने साल 2018 में शादी रचाई थी और आज दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति महाशय चक्रवर्ती भी पेशे से एक अभिनेता हैं, जिन्होंने हॉन्टेड 3D, इश्के दारिया और एनिमी जैसी कई फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, आपको इन टीवी सितारों में से किसकी जोड़ी उनके पार्टनर के साथ बेहद पसंद आई? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।